Mangalam Bhagavan Hero Mangalam Gautama Gani Mangalam Kundakundadyo Jain Dharmastu Mangalam Sarva Mangal Mangalam Sarva Kalyan Karakam Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jaitu Sashnam Jainam Jaitu Sashnam Vitragi Dev Shastra Jaivan Prakashashnam ज्ञानी पुरुषों का जीवन कितना अलौकिक होता है उसका वृतांत हम सुन रहे हैं। दिक्कत क्या होती है कि जो जीव है ना वो दिखाई तो देता नहीं, दिखाई तो देता है हाड़ मांस का शरीर, दिखाई तो देते हैं ये कपड़े, दिखाई देती है वाणी। तो हम प्रत्यक्ष पवित्र जीव की पहचान कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पहचान कैसे करें, सभी हाड़ मांस के दिखते हैं, अंदर में कोई पवित्र जीव है ये कोई खबर पड़ती नहीं है। ज्ञानी पुरुषों को हम परख नहीं पाते हैं तो उनके द्वारा बताए हुए तत्व के मार्ग में अपना समर्पण नहीं कर पाते हम, और हमें तो यही लगता है ये तो ऐसा है, ये तो दिखता तो यही है ना, करें क्या। इसलिए गुरुओं को या ज्ञानी पुरुषों को परखने के लिए इतने वृतांत की जरूरत पड़ती है कि हम देखें कि यही परिस्थितियां हम पर बीती थी तो क्या होता, सामान्य आदमी इन परिस्थितियों में क्या करता और गुरुदेव ने क्या किया। आखिर अपने को कहीं ना कहीं से तो मालूम करना ही पड़ेगा ना कि गुरुदेव महान क्यों थे, कैसे मालूम पड़े बोलो। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर मरने के बाद कीमत होती है, जीते जी कीमत नहीं होती है। पिताजी घर में हो तो हम दवाई नहीं दे सकते, उन्हें पानी नहीं पिला सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। हाँ, यदि वे मर जाएं तो उनकी याद में हम 1 लाख का फंड बना सकते हैं, प्याऊ खुलवा सकते हैं पानी पीने के लिए, हम मंदिरों में दान कर सकते हैं, तीर्थ क्षेत्रों में दान दे सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं मतलब, लेकिन प्रत्यक्ष में पिताजी की सेवा नहीं कर सकते। मरों का देश है, आदमी चला जावे तब महिमा आती है, अरे साहब बहुत अच्छे थे। अब बस मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अच्छा हो कि हम गुरुदेव श्री को पहचानने की चेष्टा करें, अब भी पहचान ले तो हमारे महाभाग्य हैं, क्योंकि जिन गुरुदेव का वियोग हमसे हुआ है उनकी हमें सचमुच जरूरत भी नहीं है, और जिन गुरुदेव की हमें जरूरत है वे हमें 8,500 के एसेट में मिल चुके हैं। हम चाहें तो जो धारा चल रही है इसमें अपने आप को समर्पित करके, इस गंगा में अवगाहन करके चाहें तो पूज्य गुरुदेव श्री का साक्षात लाभ ले सकते हैं। इसलिए ये चर्चा विस्तार से अपन कर रहे हैं। एक घटना यहां बताना प्रासंगिक होगी, बहुत ही सुंदर घटना हुई, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव श्री क्या थे। ताकत तो आपको लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन मैं घटना सुना रहा हूं। जब गुरुदेव श्री सोनगढ़ में पधार गए परिवर्तन हो जाने के बाद, उसके 1-2 बरस बाद परिवर्तन के बाद 93-94 संबंध में रामजी भाई आए, तो रामजी भाई को बोला कि भाई ये शास्त्र तो सबके हाथों में होना चाहिए। क्या इतनी गुरुदेव की इतनी बोल रही टोन थी, ये शास्त्र तो सबके हाथों में होना चाहिए। तो रामजी भाई ने चिट्ठी लिखी बंबई, शायद भूलेश्वर मंदिर के लिए, जहां पर ये साहित्य बिकता था, ग्रंथ बिकते थे श्रीमद जी के द्वारा आगा से छपे हुए। तो बॉम्बे चिट्ठी लिखी कि आपके पास जितने समय सारजी हों, चिट्ठी क्या लिखी, आपके पास जितने समय सारजी हों सारे सोनगढ़ भेज दो। ए 10 प्रति नहीं, 5 प्रति नहीं, 20 नहीं, जितने हों सब।
अभी ध्यान से सुनना, जैसे ही वो चिट्ठी आई तो जो मैनेजर था, मैनेजर बुजुर्ग मैनेजर थे उस समय, बहुत बुजुर्ग 75-80 साल की उम्र जो संभालते थे, वो चिट्ठी पढ़ते ही कि उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों फटी रह गई वो बताता हूं अभी। क्यों? क्योंकि श्रीमद जी ने आगाज में समय सारणी छपाने का ऑर्डर दिया कि छपाओ 1000 छपाओ। तो वो जो वहां के छपाने वाले थे, अब श्रीमद जी के सामने बोलने की ताकत तो है नहीं, ताकत नहीं है बोलने, कैसे मना करें एक महापुरुष के सामने। फिर भी धीरे से हिम्मत करके कहा, साहेब पहले हमने 1000 छपाए थे, उसमें से 30 बरस में 200 बिके, 200 और 200 बिके नहीं, उनमें से एक आना कीमत थी, एक आना 4 पैसे, और वो भी हमें गिफ्ट में देने पड़े। समझ में आ गया ना? विद्वान आ गए तो गिफ्ट में, कि चलो कैसे ही तो स्टॉक खाली होए, तो ये हम और छपाने की कैसे कहें, हमने जो छपाए थे वे बिके ही तो नहीं रहे, 15-20 बरस में ही तो मुश्किल से 200 एक आना कीमत में, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, बेकार में छपाने की कोई बात नहीं है, पैसा लग जाएगा लेकिन बेकार में स्टॉक रखा कब तक अवेयर है। समझ में आए? श्रीमद जी ने बोला था, अंतिम समय की बात है लगभग उनके जीवन की, उन्होंने बोला कि जिस दिन मोटा ऑर्डर आ जाए समझ लेना कि ये समय सार जी के भाग खुल गए, उस दिन समझ लेना कि समय सार जी की प्रभावना करने वाला कोई आ गया, समझ लेना, तुम तो छपा दो। जिस दिन समय सार जी का मोटा ऑर्डर आएगा उसी दिन समझ लेना कि जिन शासन की प्रभावना करने वाला व्यक्ति मेरे पीछे जन्म हो गया है उसका। एक घटना, तो वो लेटर लेके वो ट्रस्टी के पास गए, आंखों में आंसू की धार, कि श्रीमद जी कितने विचक्षण बुद्धि थे जो उन्होंने भविष्य की बात पहले से बताई। बोले हम तो मना कर रहे थे और आज ये ऑर्डर आ गया, और पूरे के पूरे ग्रंथ पहुंचा दिए वहां पर, और ग्रंथों की ये हालत हुई कितने दिन में बिके होंगे वहां अमित, कितने दिन में बिके होंगे, बिके कि राशन की तरह एक एक दिया राशन की तरह एक एक फैमिली में एक ले जाओ बस, एक एक से ज्यादा नहीं, और हाथों हाथ पूरे। और फिर 2000 समय सार जी छपाए गए सोनगढ़ में द्वारा से, तो उन 2000 समय सार जी की भी यह हालत हुई कि यह कहना पड़ता था एक से ज्यादा नहीं लेना। अब समझ में आ रहा है, कहां 20 और 30 वर्षों में 200 बेचना मुश्किल थे, और कहां मुश्किल से 3-4 वर्ष में 2500-3000 से ऊपर हाथों हाथ निकल गए। इससे मालूम पड़ता है कि गुरुदेव श्री ने क्या किया होगा जो समय सार जी घर घर पहुंच गए। अभी देखो, जिनको अभी पहली बार स्वाध्याय कर रहे हो वे समय सार जी पढ़ के देखें, तब उन्हें समझ में आएगा कि समय सार जी में उन्हें समझना कितना कठिन है। और फिर गुरुदेव श्री ने जो खुलासा कर दिया और अब पढ़ करके देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये तो साक्षात अमृत है, बिल्कुल सीधे सीधे पी जाओ, इसमें तो कुछ कठिन ही नहीं रहा, अब तो बच्चे समय सार है? कहने का आशा यह है, आज ये जो सभा दिख रही है ना बड़ी बड़ी, ये सब गुरुदेव का प्रताप है। ये जो छोटे छोटे बच्चे सुनने बैठे ना 10-10 11-11 बजे रात तक, ये गुरुदेव श्री का प्रताप है। बोलो, इस तरह समय सार जी मिले और आगे बढ़े। अभी इसकी चर्चा अपन और आगे करें, एक बात खास बताने की है, आप लोग बोर मत होना, कदाचित हम अब फास्ट चले तो, लेकिन एक खास बात बतानी है, पवित्र जीव कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, ज्ञानी जीव की क्या पहचान है, और हम ज्ञानी हैं कि नहीं, पवित्र हैं कि नहीं, इसका मिलान आप कर लेना। किस तरह से कर लेना? कि ज्ञानियों का उत्साह कभी ठंडा नहीं पड़ता, ज्ञानियों का उत्साह कभी ठंडा नहीं पड़ता। आप ये देख लेना, गुरुदेव श्री 90 बरस की उम्र तक उन्हें चैन नहीं पड़ी हो।
अपन तो अभी हार थक जाए, एक पंच कल्याण कर ले तो दूसरा करेंगे, तीसरा करोगे, एक शिविर लगा लो और 2-4 लाख का खर्चा हो जाए तो दूसरा शिविर कब लगाएंगे अपन, कब लगाएंगे कि साहब ठीक है अभी तो थकान उतरने दो। और सरल करता हूं, आपने पूजा पाठ करना शुरू की, बहुत उत्साह है, 5 साल बाद उत्साह का क्या हुआ, आपने नया नया उत्साह था, स्वाध्याय प्रारंभ किया, बहुत बढ़िया, अब अगली स्वाध्याय का क्या हुआ। इसलिए मैंने याद दिलाया कि गुरुदेव श्री के जीवन में एक एक दिन दिवाली थी, एक एक दिन दिवाली जैसा उत्साह है, विधान हो रहा है गुरुदेव को उत्साह है, विद्वान आ रहे हैं उत्साह है, मंदिर बन रहे हैं उत्साह है, पंच कल्याणक हो रहे हैं उत्साह है। बोलो अभी देखना, ये 90 बरस की उम्र तक बिल्कुल यही टोन चलेगी, गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं अब रहने दो मेरे को क्यों ले जाते हो तुम ही कर लो, ये नहीं, 90 बरस की उम्र में भी बताओ दक्षिण अफ्रीका चले गए दक्षिण अफ्रीका बड़ोदरा चले गए सनाबद के 89-90 की एज में सनाबद, मैं सही बताऊं तो कई बार मैं कंपेरेटिव सोचता हूं तो मैं कितनी जल्दी थक गया हूं मुझसे कोई कहे कि बॉम्बे आना तो मैं सोचता हूं इतनी दूर और गुरुदेव श्री की सोच देखो 90 की एज में 89 की एज में अफ्रीका चलना है, चलो चलो चलो, अरे महाभाग से कोई दिगंबर मंदिर बनाता है, वहां कोई एक भी दिगंबर नहीं हो, एक भी दिगंबर नहीं दक्षिण अफ्रीका में, सब श्वेतांबर यथानकवासी, अरे रे अच्छा एक बार मंदिर बन जाएगा तो लंबे समय तक लोगों को तत्व ज्ञान मिलेगा, लोग जैन होते चले जाएंगे, चलो चलो चलो, मतलब गुरुदेव श्री का उत्साह है, उत्साह समझ रहे हैं, क्यों अमित तुम्हें पाठशाला दे दी जाए और फिर बीच बीच में तकलीफ भी आए, रहने दो हमें नहीं करना पाठशाला, हम तो अपना आत्मकल्याण करेंगे, पाठशाला चलाने के नाम पर आत्मकल्याण, प्रवचन करने के नाम पर, अब रहने दो कोई सुनता है नहीं है, हम ही व्यवस्था कर करके हारे जा रहे हैं अब सोचो कंपेरेटिवली कि गुरुदेव श्री का उत्साह कितना रहा होगा, उनकी वाणी का तेज, अब वाणी का तेज कैसेट में सुनो है, 60-70-80 बरस की उम्र तक तो ऐसी आवाज है बुलंद, यदि आप कैसेट सुनो तो मालूम पड़े आपको, और ये 90 बरस की उम्र के प्रवचन है जो अभी सुन रहे हो आप, जबकि बीमार रहते हैं, कभी ताव चढ़ रहा है, कभी कोई बात हो रही, इसलिए थोड़ा सा आवाज में आपको ऐसा लगता है, नहीं तो बुलंद आवाज। कहने का मतलब क्या है, यदि हम आत्मार्थी हैं तो हम भी पहचाने कि हमें पूजा पाठ में उत्साह है कि नहीं, देव सास गुरु के प्रति भक्ति में उत्साह है कि नहीं, जंगल में गए तो मुनिराजों के प्रति उत्साह है, ये सब वर्णन आपने सुन लिया अभी, अब इनको रिविजन नहीं करना है, आगे मैं बताऊंगा, आप मिलाते जाना अपने जीवन से। अभी सभी लोगों को बहुत उत्साह था, सन 1948 संबत 2004 गुरुदेव श्री की उम्र हो गई 59 ईयर्स 59 वर्ष, अभी तक सोनगढ़ में लाइट नहीं आई, 1948 में भी लाइट नहीं आई, गांव में वही धूप सन्नाटा, रात को अंधेरा हो जावे तो साए साए हवाएं, झींगरों की आवाज, मेंढकों की आवाजें, उल्लू की आवाज है माने कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा। अभी भी ऐसे समय में सभी लोगों को एक विचार आया कि गुरुदेव श्री की जन्म जयंती मनाई जानी चाहिए, और क्या कहें, एक छोटा सा कार्यक्रम मांडा विधान का, गुरुदेव श्री को जन्म जयंती का नहीं बताया वो विधान, अभी सारे मोक्ष आ गए, खूब प्रवचन का लाभ हुआ, और जैसे ही 11 मई 1948 मंगलवार का दिन आया तो घर घर से एक एक लालटेन समझते ना, फानुस, सब लोग लाए और गुरुदेव श्री के स्वाध्याय मंदिर के चारों तरफ लटका दिए 59 वो फानस, हमारे यहां लालटेन कहते हैं, वो लालटेन लटका दी और घर घर जैसे दिवाली हो गई उस दिन, अचानक दिवाली और खूब उत्साह, खूब भक्ति और खूब, तो गुरुदेव श्री एकदम आसूच है, इसकी क्या जरूरत थी, तुमने मेरे बिना पूछे ऐसा कैसे किया, जन्म जयंती मनवानी, कौन की जन्म जयंती मनती है, तीर्थंकरों की होती है, अपने नहीं होती है, ऐसे गुरुदेव श्री तो, क्योंकि अभी तक तो 58 बरस बीत गए, जब तक तो कुछ
हुआ ही नहीं। अब अचानक हुआ तो बड़ा आश्चर्य अंदर से, और अच्छा नहीं लगा। तो बड़ी मुश्किल से राम जी भाई वगैरह ने संभाला कि साहेब हम आपको थोड़ी कुछ कर रहे हैं, आपकी कौन जन्म जयंती मना रहे हैं, लेकिन इस बहाने पूरा सौराष्ट्र गुजरात काठियावाड़ ये लोग आ जाते हैं और इस बहाने 5-7-8 दिन का लाभ ले लेते हैं, नहीं तो व्यापार में तो क्या कहते हैं नवड़ास ना मिले। कभी अवकाश ही नहीं मिले, इसलिए इस बहाने से हम लोग इकट्ठे होकर एक विधान कर लेते हैं, और नहीं तो साल भर खेतों में पड़े रहते हैं क्या, व्यापार करते रहते हैं, इस बहाने आते हैं ये लाभ लेते हैं। ठीक है ठीक है। गुरुदेव श्री को कभी उत्साह नहीं रहा। जिन लोगों ने गुरुदेव श्री की जन्म जयंतियां देखी भी होंगी उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा, बॉम्बे में भी कई जगह पर भी, मैं सारी जितनी जन्म जयंती मनी उनका निचोड़ एक साथ बता देता हूं ताकि अलग से अलग उसका वर्णन नहीं करना पड़े। चिट्ठी आई, चिट्ठी फूलचंद जी की, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की चिट्ठी आई सोनगढ़ में कि साहब जन्म जयंती मनाना अच्छी बात नहीं है, आपकी जन्म जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए। तो गुरुदेव श्री का ऐसा होता था, प्रवचन हो जाए ना, प्रवचन दोपहर का भक्ति हो जाए उसके पीछे थोड़ा टाइम बचता था तो आधा पौन घंटा रामजी भाई खेमचंद जी भाई और हिम्मत भाई स्वयं, कभी डॉक्टर साहब पहुंच जाए भारेली जी, वो ऐसे जो उपस्थित हो भी ना वो बैठते थे तो चिट्ठी मांचते थे रामजी भाई। अब रामजी भाई ने जैसे वो फूलचंद जी की चिट्ठी आई और पढ़े ही नहीं, पढ़े ही नहीं, ऐसे गुरुदेव बोले आमा शू लिख्यू छे पढ़ते क्यों नहीं हो कि साहेब इसमें लिखा है कि आपकी जन्म जयंती नहीं मनाई जानी चाहिए। तो मैं तो पहले ही कहता था नहीं मनना चाहिए, आगम विरुद्ध है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव गुरुदेव को ऐसा आगम का इतना पक्ष रहता था ये नहीं होना चाहिए। तो बोले साहेब आप कहां जन्म जयंती मनाते हैं, जन्म जयंती तो हम मनाते हैं और मनाते क्या है, इसके बहाने से हम लोग जो लाखों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, उससे तत्व ज्ञान के लिए सस्ती जिनवाणी छपाते हैं। ध्यान से सुनना, क्या करते थे पैसे का, ऐसा नहीं कि गुरुदेव की जन्म जयंती करा के 2-5 लाख रुपए इकट्ठे हुए सो मंदिर में रख लिए या कोई संस्था में रख लिए कि ट्रस्टियों ने रख लिए, नहीं साहेब, आपकी भावना केवल जिन शासन प्रभावना की है और लोगों को आपके प्रति अर्पणता है, तो बहाना है, केवल क्या है बहाना है। आप तो थोड़ी देर प्रवचन करते हो, 8-10 दिन का प्रोग्राम हो जाता है, 7-8 दिन का, और इस निमित्त से जो पैसा इकट्ठा होता है, जो आमदनी बचती है, उससे सस्ती जिनवाणी छपाते हैं, शिविर लगा देते हैं, बाहर से आने वालों को फ्री भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, तो अपन तो अच्छे ही कर रहे हैं ना। हम जन्म जयंती मनाने के लिए कोई तीर्थंकर जैसी जन्म जयंती मनावे आपकी तो हम पापी हैं, लेकिन इस निमित्त से यदि जिन शासन की प्रभावना हो जाए तो क्या दिक्कत है। आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री आए थे 1964 में मुंबई में, तो अभी गुरुदेव श्री खड़े नहीं हुए कि लाल बहादुर शास्त्री आ गए और सम्मान पत्र दे रहे हैं तो खड़े हो जाएं, हाथ तक नहीं बढ़ाया, ऐसे बैठे रहे बस, ऐसे नीचे नजर कर रहे और सामने रख दिया और देखते रहे बस कुछ नहीं। गुरुदेव ने कोई 2-4 वक्ता हो में सुन ले में 2-4 वक्ता, फिर बोले नवनीत भाई जावेरी 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, काय के लिए हमारी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। अब नवनीत भाई जावेरी तो पानी हो, 2 मिनट जरा सा बोल के साहब बैठ जावे, और ज्यादा वक्ता हो तो गुरुदेव श्री उठ करके मंच से चले जावे, उछामन लगे, बोलियां लगे, पंच कल्याण की या मंदिर की कोई कार्यक्रम की जिनवाणी की, तो गुरुदेव बैठे रहे पूरे टाइम। क्यों? कि गुरुदेव को मालूम था कि मैं बैठा रहूंगा तो उछामन खूब जाएगी। काय के लिए अपने लिए नहीं, गुरुदेव श्री को केवल एकमात्र भावना, एकमात्र। शुरू शुरू में जब गुरुदेव सोनगढ़ पधारे थे और जब बिहार करते थे ना, तो उस समय स्टेट का जमाना था, स्टेट राजा रानी रहते थे,
महाराज साहब पुराने जमाने के महाराज रहते थे, तो जो पागला पगला चलते थे ना पगलिया, उनके घर में जाना, हमारे हमारे घर में आपके पगलिया पड़ गए, तो गुरुदेव जाते थे। मालूम क्यों जाते थे? क्यों जाते थे? इसलिए नहीं कि इनके घर में हमारे जाने से खूब पुण्य आएगा, हमारे जाने से खूब पैसा हो जाएगा, इसलिए नहीं। गुरुदेव जाते थे और फिर वे राजा वगैरह आते थे और 1000 रुपया उनके पैरों में चढ़ा देते थे, पैरों में चरणों में, और ढोक देते थे। और फिर गुरुदेव श्री सुनाते थे कि साचो साम्राज्य तो आत्मानो छे। अब वो राजा महाराजा को कहां सुनने की कभी फुर्सत मिले। उन्होंने आमंत्रण किया तो गुरुदेव चले जाते थे, अजयन के घर में चले जाए, बोला अभी बस केवल बोला साहेब हमारे घर में आपका पागलिया पड़ जाए, हो पहुंच गए। तो वो आवे गुरुदेव 10-5 मिनट बैठे, मांगली करें, साचो साम्राज्य तो आत्मानो छे, आ बधु धूड़ छे, आमा कहीं सुख नहीं, तमे तो परमात्मा छो। माने गुरुदेव अपनी सीधी सादी भाषा में बोलते हैं। और फिर कितने ही स्थानों से कोई 500 रुपया उस जमाने में, 1000 रुपया बड़बांड में, तो बड़बांड वगैरह में 1000 रुपया गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरुदेव पैसे को हाथ नहीं लगावे, हिसाब नहीं रखे, पूछे नहीं कभी। संघ में जाते थे ब्रह्मचारी वगैरह 2-4, वो पैसा लाते ट्रस्ट में जमा करा देते। ए काय के लिए? केवल एक जिन शासन की प्रभावना के लिए कि ये पैसा आवे तो जिनवाणी सस्ती होवे। शिविर लगे तो कोई को ये नहीं लगे कि इतना खर्चा कौन उठाए, खर्चा कौन उठाए खर्चा। इसलिए अभी ऐसे ऐसे प्रसंग बहुत सुंदर सुंदर एक से एक घटे हैं जीवन में गुरुदेव की। देखो भावना भी होए तो कैसा, उत्साह भी होए तो कैसा, समर्पण भी होए तो कैसा, इस तरह से। तो गुरुदेव को कभी जन्म जयंती का उत्साह स्वयं को नहीं रहा, मना भी करते रहे, लेकिन केवल पत्र आने के बाद भी जन्म जयंती इसलिए चलती रही, उसका कारण आपको बता दिया। मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं कि कई लोगों को लगता है कि जन्म जयंती तो नहीं मनानी चाहिए, कि बराबर गुरुदेव को यह बात खबर थी, लेकिन वो जन्म जयंती 82 जन्म जयंती नहीं थी, जैसी जैसी अपन तीर्थंकरों की मनाते हैं। इसके माध्यम से मात्र सारे देश के लोग इकट्ठे होते थे, 7-8 दिन कार्यक्रम होता था, भक्ति होती थी, तत्व ज्ञान मिलता था, कक्षाएं चलती थी। कोरा ऐसा नहीं था कि गुरुदेव की जन्म जयंती है तो लोग मिठाइयां ला रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं और बहुत गुरुदेव 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 बस। ए नहीं, पूरे टाइम 2 टाइम प्रवचन, शाम की चर्चा, ये कंपलसरी थे गुरुदेव के जीवन में। बोल वो आने में कोई नेता देर हो जाए तो गुरुदेव ऐसा नहीं कि प्रवचन लेट कर रहे हैं, आवे कि नहीं आवे, अपना प्रवचन टाइम से शुरू, इस तरह से। तो ये पहली बार जन्म जयंती गुरुदेव की मनी, बिल्कुल सोनगढ़ में दिवाली जैसी। अभी सोनगढ़ में जो लोग रहे हैं उन्हें मालूम है कि जब तक गुरुदेव श्री वहां रहे विद्यमान, तब तक प्रतिदिन दिवाली जैसा आनंद था। अब एक एक दिन का व्याख्यान करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अपन अभी जल्दी जल्दी बताते हैं। अभी इसी बरस पहली बार जो श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण, ये श्रावण का प्रौण शिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ। ये सीजन हो जाता है ना सीजन, तो लोगों को फुर्सत मिल जाती है, चौमासा भी रहता है, बरसात रहती है, अब मार्केट ठंडा होता है। तो सोनगढ़ में इन्हीं दिनों प्रौढ़ शिक्षण शिविर, गुरुदेव श्री के आने के बाद कुंवारे भाइयों छोटे नवयुवक उनके शिविर लगे, ये प्रौढ़ शिक्षण शिविर हुआ। प्रौढ़ शिक्षण में रामजी भाई, खेमजी भाई, बाद में तो ज्ञानचंद जी, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी साहब और लालू भाई जी, लालचंद जी मोदी राजकोट, इन लोगों ने प्रौढ़ शिक्षण में पढ़ाने का काम शुरू किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, रहस्यपूर्ण चिट्ठी और जो अलग अलग विद्वान अलग अलग कक्षाएं लेकर के प्रौढ़ शिक्षण, क्योंकि सीधे सीधे गुरुदेव को समझना तो कठिन पड़ता था, तो छोटी छोटी कक्षाएं चलाई गई, ये प्रौढ़ शिक्षण प्रारंभ हुआ। और इसी बरस समय सार जी का प्रवचन भाग 1 हिंदी में छपा, याद है समय सार जी प्रवचन भाग 1 सबसे पहला प्रवचन छपने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव श्री राजकोट में प्रवचन करते थे, उसका दोनों बहनें आधा आधा घंटा लिखती थीं, वो गुजराती में छपे और बाद में उस गुजराती का हिंदी छपा, इस तरह से। आगे कार्तिक सुदी 13 के दिन 26 नवंबर 1947 बुधवार के दिन
छह बहनों ने पहली बार ब्रह्मचर्य लिया, सोनगढ़ में छह बहनों ने ब्रह्मचर्य लिया, और इसी समय प्रवचन सार जी का गुजराती अनुवाद हिम्मत भाई जी ने पूरा किया। अब संबत 2005 अर्थात 1949 सन, इस समय फागुन सुदी सातम 7 मार्च 1949 सोमवार के दिन बीच यहां का पंच कल्याणक हुआ। ये तीसरा पंच कल्याणक, दो पंच कल्याणक सोनगढ़ के, ये तीसरा पंच कल्याणक बीच यहां का, यहां पर ये सुंदर पंच कल्याणक हुआ। ध्यान से सुनना, इसको नाथू लाल जी इंदौर वालों ने, उन्होंने करवाया था अपने हाथों से, और गुरुदेव श्री ने अंकन न्यास किया। अभी ध्यान से सुनना, प्रतिमाएं कहां से आई होंगी पंच कल्याणक के लिए प्रतिष्ठित होने के लिए, मालूम है कहां कहां से आई थी पता है? ऐसा नहीं आसपास के दो चार छह मंदिरों की आ गई होंगी, ऐसा नहीं। देखो कितनी दूर दूर से आई। पहला पंच कल्याणक सोनगढ़ के बाद का बाहर है ना, इसमें 42 जिन बिंबाए जो गुरुदेव श्री ने अंकन न्यास किए, इसमें कलकत्ता इंदौर जिस जगह पे हमारा जन्म हुआ ऐसा भैलसा विदिशा उधर की प्रतिमा इतनी दूर आई, एमपी की भोपाल के पास विदिशा भैलसा वहां की प्रतिमा इतनी दूर बीछिया में पंच कल्याणक के लिए आई, मलकापुर महाराष्ट्र, मलकापुर महाराष्ट्र, उधर कलकत्ता, अजमेर राजस्थान, इतनी दूर दूर से प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होने आई। बताना क्या था कि उस समय पंच कल्याणक कितने दुर्लभ थे, मालूम भर पड़ जाए कि यहां पंच कल्याणक हो रहे हैं तो लोग दूर दूर से प्रतिमाएं ले लेकर के आते थे, है ना। इस तरह शानदार पंच कल्याणक हुआ। इसका विवरण कल बताया था आपको कि बहन श्री किस तरह से सारी व्यवस्था करती थी। गुरुदेव श्री ये कहते थे इस शांता बहन को यदि पूरा एशिया दे दिया जाए, एशिया, तो उसका प्रशासन भी जोरदार चला सके, क्योंकि उस समय और कोई तो था नहीं ना, तो बहन ही आगे बढ़ बढ़ करके एक चीज लाना है, इतनी द्रव लगेगी, ऐसे करना पड़ेगा, इतने टाइम पर प्रवचन होगा, ऐसे करना, ऐसे बैठना, बहनों को ऐसे बिठाना, ऐसे भाइयों को, पूरा प्रशासन बहनों के लिए, जो छह ब्रह्मचारिणी बहन है सबके लिए एक एक क्या कहना शिखामण, देखो पंच कल्याणक में जा रहे हो ऐसे जाना, ऐसे नहीं करना। बोलो। कुछ साध्वियां थी चार पांच, सुशीला श्री वगैरह, अभी उन्होंने मुंह पट्टी वगैरह नहीं छोड़ी, बाद में धीरे धीरे मुंह पट्टी छोड़ी बाद में, लेकिन ड्रेस वही रही उनकी, साधुओं की, साध्वियों की। और भोपाल में वेदी प्रतिष्ठा में जाना था, भोपाल में, तो बहन श्री ने बुला लिया कि देखो तुम हमारे साथ नहीं जाना, तुम हमारे साथ नहीं जाना, क्यों? क्यों तुम पात्रा रखते हो, तुम ये कपड़ा पहने रहते हो तो दिगंबर लोग क्या सोचेंगे, ये श्वेतांबर हैं, यदि तुम्हें हमारे साथ चलना है तो पहले इतनी शिखामण। तो उन्होंने उनकी यश नहीं हुई, भोपाल जाने की उनकी यश नहीं हुई। गुरुदेव श्री ने भी कह दिया हमारे साथ जो जावे बिल्कुल पक्का चौकस दिगंबर होके जाए, ऐसे नहीं चलेगा। तो उनको जाना तो था, अब करें क्या, क्योंकि गुरुदेव श्री का लाभ तो छोड़ने का कोई इच्छा होती नहीं थी। तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे वो बताती हैं, हम भोपाल के रेलवे स्टेशन पे हमने कपड़े रेल में हमने कपड़े बदले, वो कपड़े छोड़े और दूसरे कपड़े पहने, और वहां से वो पात्रा छोड़कर के स्टील के बर्तन रखती थी, तो वो स्टील के बर्तन भी छोड़े। इतना कहने मतलब है कि इतनी शिखामण। अभी आने तो तीर्थ यात्रा का वर्णन, तब और बताऊंगा आपको कि कैसी कैसी शिक्षाएं देती थी ये बहने। माने गुरुदेव श्री बहुत प्रसन्न कि यदि प्रशासन सौंप दिया जाए तो सारा काम चौकस हो, कोई चीज की कमी नहीं। कभी गुरुदेव श्री को यह चिंता नहीं कि ऐसा काम क्यों नहीं हुआ है, ये गलती क्यों हुई, मंदिर में ऐसा क्यों नहीं हुआ। बहनों को इतनी जागरूकता, ए उन दो बहनों की बात नहीं चल रही, अपने मंदिरों में भी बहनों को इतना जागरूक रहना चाहिए। अपने मंदिरों में भी बहनों को यह लगे कि कमी रह कैसे गई, जिनवाणी अलमारी में ऐसे वैसे यदवा तदवा कैसे रखी गई है, मंदिर में चूहे आए कैसे, जरूर चावल पड़े रहते होंगे, हैं? आज चावल पड़े रहेंगे, चूहे पड़ जाएंगे तो फिर आपको जिंदगी भर की दिक्कत है। सावधान, एक चिटक क्या बोलते हैं नारियल की, नेवेद चढ़ाने की चिटक, वो जमीन पर पड़ी है, अभी चिंटी आ जाएंगी फिर मरेंगी, पड़ी कैसे रही,
मैं अभी कह देता हूं आपको, बहन श्री जो शिखामण देते थे वो मैं आपको बता रहा हूं कि मंदिर आप बनाओगे जब बना लेना अशोक भाई नहीं सब लोग सावधान, मंदिर में इतनी बहने होवे भाई होवे, नीचे चावल पड़े हो कोई चीज पड़ी हो उठा लो, झिनवाणी कहीं आड़ी तिरछी रखी हो बराबर विराजमान करो, क्या दिक्कत है। अपन आ गए मंदिर में कोई नहीं है, फ्री है, एक भक्ति गाते जाओ और जिनवाणी की धूल झाड़ते जाओ, थोड़ा जिनवाणी देख लो, धूप दिखा दो भाई। जैसे बहन श्री को मैं कहता हूं गुरुदेव को कभी विकल्प नहीं करना पड़ा, इतनी व्यवस्था संभालती थी, इतनी बिल्कुल, माने जिन बहन श्री को हम केवल ये समझते हैं कि वे पूज्य बनकर बैठी रही होंगी, ऐसा नहीं था, बल्कि उनके आदर में इतना बड़ा समर्पण था देव सास गुरु के प्रति, गुरुदेव श्री के प्रति इतनी अर्पण था कि गुरुदेव श्री को विकल्प नहीं हो जावे। तो हम आप लोगों से भी ये बात समझ ही गए होंगे कि हम सबको भी ये कर्तव्य है देव सास गुरु के प्रति। अभी आगे देखो, इस तरह से पंच कल्याणक के लिए गुरुदेव अभी पैदल चलते थे, गुरुदेव पैदल पैदल गए, कहां पर, बीछिया और लाठी वगैरह बिल्कुल पैदल पैदल, रोज 5-7 मील चलते थे, संग संग चलते थे, अभी गाड़ी से नहीं चलते थे वो, है ना। इस तरह से रास्ते में उमराड़ा आए, बीछिया के रास्ते में उमराड़ा पड़ता है, तो वहां पर आए तो सब जनों को ऐसा विचार आया कि यदि यहां भी कुछ हो जाए, गुरुदेव श्री की जन्मभूमि में भी कुछ हो जाए, अब क्या हो जाए। तो उस समय मंदिर का ज्यादा विकल्प नहीं किया, ऐसे सोचा कि यहां पर गृह उद्धार हो जाए, माने जो थोड़ा कमजोरी हो रही है लकड़ी चेंज करवा दो, थोड़ा रंग मंग ठीक करा दो, लगे तो सही गुरुदेव की जन्मभूमि है, ऐसे ऐसा जर्जर नहीं होना चाहिए ऐसे। तो गृह उद्धार की योजना बनाई, वहां फंड इकट्ठा किया, बाद में यहां से बढ़ने के बाद लाठी का पंच कल्याणक हुआ, जेठ सुधी पांचम 1 जून 1949, 1 जून 1949 के दिन सोमवार के दिन, है ना, सीमंदर भगवान का विराजमान करें वहां पर, और भी प्रतिष्ठाएं मैंने भगवान विराजमान किए। यहां पर मुमुक्षुओं के 50 घर होगा इस समय, 200 व्यक्ति गुरुदेव श्री के प्रताप से, जबकि कोई भी दिगंबर घर नहीं मूल में। अभी गुरुदेव श्री को लाने के नाम पर विरोध हो रहा था गांव में, तो जो लोग पत्थर फेंकने वाले थे, जो लोग कह रहे थे हम डिस्टर्ब करेंगे, तो जो पत्थर फेंक कर विरोध करने वाले थे, गुरुदेव श्री को उनके ही घर ठहराया अब उनके ही घर ठहराया जो 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 विरोध कर रहे थे उन्हीं के यहां मेहमान ठहराए। अच्छा, गांव की व्यवस्था है ना, तो गांव में अब क्या करो, अब पत्थर कौन फेंकेगा, तुम्हारे ही घर में गुरुदेव ठहरे तो पत्थर कौन फेंकेगा, तुम्हारे ही घर में भोजन की व्यवस्था रख दी तो अब तुम गाली किसको दोगे, सुबह से उठते से नहलाने धुलाने की व्यवस्था करो। तो इस तरह से इतनी बढ़िया तरीके से कार्यक्रम हुआ लाठी का कि बिल्कुल भी विरोध नहीं हुआ और खूब शांति से शानदार कार्यक्रम इस समय हुआ। अभी इसी समय एक विचार और आने लगा कि अब गुरुदेव श्री की समय निकलता जा रहा है, 60 वर्ष के गुरुदेव श्री हो चुके हैं, राजकोट में जन्म जयंती मनी 60 भी। अभी प्रश्न यह था कि गुरुदेव श्री की उम्र जल्दी जल्दी पूरी हो रही है और अब ये अमृत झर रहा है, लेकिन हमारे पास रोकने का कोई स्थान नहीं, करें क्या, रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, रिकॉर्डिंग कैसे करें। तो उस जमाने में रिकॉर्डिंग की कोई सुविधा नहीं थी, ये टेप रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं थे आपके कुछ भी, लेकिन ये फिल्मी दुनिया बंबई में चलने से ग्रामोफोन आए थे, ग्रामोफोन जानते हैं, है ना, अब तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, ग्रामोफोन वो सुई रख देते थे उसके ऊपर और डिस्क चलती रहती थी, जैसे आपकी आजकल सीडी की डिस्क है छोटी सी, ऐसे बड़ी बड़ी डिस्क ब्लैक और वो घूमती थी। तो अब ये विचार आया कि जब इसमें गाने भर सकते हैं तो गुरुदेव के प्रवचन क्यों नहीं भर सकते देखो दिमाग कहां लड़ाया, ये ग्रामोफोन में गाने बज सकते हैं तो गुरुदेव श्री के प्रवचन क्यों नहीं भर सकते तो सबसे पहली बार उसमें भजन रिकॉर्ड करने की चेष्टा की गई, भजन। लेकिन कुल मिलाकर उस समय इतनी टेक्निक, समझदारी, इतना क्या कहना चाहिए, रेल गाड़ी आदि की सुविधा इतनी फास्ट, माने आना जाना, पैसा जुटाना, खरीदना, कहां से खरीदें, क्या करें, ये टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप ना होने से, हम अपनी भाषा में कहें तो विशेषज्ञ उपलब्ध ना होने से,
रिकॉर्डिंग का विशेषज्ञ उपलब्ध ना होने से गुरुदेव श्री के प्रवचन ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड नहीं हुए अभी आगे। इसके साथ इसी समय दोनों बहनों ने एक गलती की। इसी बीच पंचकल्याणक हो गए दोनों, तो दोनों बहनों को ऐसा भाव आया कि अपन समय शिखर जी की यात्रा कराए और गुरुदेव श्री की आज्ञा लिए बगैर दोनों बहन और गृहस्थी के कुछ लोग मिलकर के ऐसे 20 लोग, ये लोग बिना आज्ञा लिए समय शिखर जी की यात्रा को चले गए। अभी ध्यान से सुनना, इन्हें ऐसा लगा कि अभी एक दो महीने खाली है, गुरुदेव श्री को भी अभी फुर्सत है, अगला पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा में टाइम है और गुरुदेव श्री तो पैदल चलते हैं, तो अब अपन गुरुदेव श्री के संग रहेंगे तो कभी समय शिखर जी जा ही नहीं पाएंगे। तो अपने रिश्तेदार जुड़ गए, रिश्तेदार, और सबने विचार कर लिया कि जब तक गुरुदेव श्री 15 दिन में वहां पहुंचेंगे अगले कार्यक्रम के स्थल पर, तब तक तो अपन रेलगाड़ी से यात्रा करके आ जाएंगे। ऐसा सोच करके 20-25 लोग तैयार हुए और तीर्थ यात्रा करने चले गए। तो गुरुदेव श्री को इतना दुख लगा कि हमसे पूछा भी नहीं, सबके भैया भाभी हैं सो चले गए, माने सबके अपने अपने रिश्तेदार हैं तो चले गए, अब मेरा कौन है जो मुझसे गए, माने एक तरह से कहें तो एकाकीपन की फीलिंग कि आज हम पैदल चलते हैं तो आज हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो उनकी बहनों के रिश्तेदार हैं तो उन्हें तो लिवा ले गए, हमको किसी ने पूछा तक नहीं कि साहब आपको भी समय शिखर जी की यात्रा करना है। गुरुदेव को बहुत अंदर अंदर दुख लगे, देखो हम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, इस बात का दुख। दोनों बहनें आ गई यात्रा करके, गुरुदेव एक महीने तक नहीं बोले, अभी बहन श्री ऐसे धुजे, ऐसे सामने आने से डरे, आने से बोल नहीं सके ऐसे। लेकिन इसमें आपको गुरुदेव बुरे लग रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहता हूं एक गुरु की दृढ़ता है कि एक शिष्य की इतनी ताकत कैसे पड़ गई कि अब गुरु की आज्ञा लिए बगैर चला गया। जीवन भर में पहली और आखिरी गलती, फिर कभी गुरुदेव श्री की आज्ञा लिए बगैर दोनों बहनों ने कभी सोनगढ़ से बाहर कि कोई तीर्थ यात्रा ये कुछ काम नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि वे स्वयं जाकर के आज्ञा लेती थी, अपने भाइयों के द्वारा, हिम्मत भाई वगैरह हैं, ब्रह्मचारी चंदू भाई हैं, इनके द्वारा खबर पहुंचा देते कि साहब हमारे ऐसा भाव है, तो गुरुदेव हां कर दें तो चले जाएं, ना कर देवे तो नहीं जाएं। इतनी अर्पणता, ये तो क्या कहें, मैंने कोई अद्भुत दिन थे। लेकिन इसके बाद फिर जीवन में कोई गलती नहीं हुई। ध्यान रखना, गलतियां बुरी नहीं है, लेकिन गलतियों पर गलतियां होना बुरा है। गलतियां हो गई कोई बात नहीं, फिर गलती नहीं हुई और सीख ले ली, ये अच्छी बात है। इस तरह से मक्सर बदी आठम आचार्य कुंद कुंद स्वामी, कुंद कुंद आचार्य देव को आज के दिवस माने मक्सर बदी आठ सातम के दिन 33 बरस की उम्र में आचार्य पद दिया गया था। मैं समझता हूं ये बात शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन गुरुदेव श्री को कहां से मिली ये बात, और इस आठम के दिन गुरुदेव श्री ने सोनगढ़ में इतना जोरदार उत्सव किया। हाँ, आज तो हमारे आचार्य 33 बरस की उम्र में आचार्य पद मिला, 33 बरस की उम्र, बारंबार याद करें, आज 11 बरस की उम्र में दीक्षा है ना, विदेह क्षेत्र गमन, 8 दिन रहे, साक्षात भगवान को सुना, ऐसी खूब भक्ति आचार्य कुंद कुंद देव की। और पहली बार मैं समझता हूं हिंदुस्तान में सोनगढ़ में आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया। हमें तो क्यों तुम्हें आता है, याद आती अपने को याद आती, इसलिए कहता हूं गुरुदेव श्री को तो मौका चाहिए था, मौका, जरा मौका मिले तो नाचें बस, प्रसन्न प्रफुल्लित उत्साहित। इस तरह से संबत 2006 में आई है, 1950 सन राजकोट में 1 मार्च 1950 को पंच कल्याणक हुआ। इस पंच कल्याणक में एक हिसाब से देखा जाए तो राजकोट और जो पूरा उधर का एरिया है ये लगभग सूखा पड़ता है, यहां पर अकाल जैसी स्थिति पड़ती है। उस जमाने में मिट्टी के तेल पर पाबंदी, कंट्रोल से तेल मिले, सरकारी परमिशन होए तो आप उत्सव कर सको, पंच कल्याणक करने के लिए भी सरकारी परमिशन, क्योंकि नहीं तो तेल नहीं मिलेगा, चोखा नहीं मिलेगा।
चावल बनाने के लिए नहीं मिले, हर चीज की पाबंदी, शकर नहीं मिले शकर, तो उस समय गुजरात में बहुत तकलीफ थी। मुन्नालाल जी प्रतिष्ठाचार्य आए, इस समय बेचर भाई थे, उन्होंने कानूनी आज्ञा ली, कानून से बाकायदा पास करवाया कलेक्टर से, जब मजिस्ट्रेट से, कि साहब हमें तो भगवान का पंचकल्याण करना है, इसमें कोई हमारी कोई भौतिक बात, कोई शादी विवाह जैसा वो नहीं है फालतू खर्च, नहीं भगवान का मंदिर बनाते हैं, पंचकल्याण करते हैं इसके लिए। तो बेचर भाई ने एक भी काम गैर कानूनी नहीं किया। मैं क्यों कह रहा हूं ध्यान से सुन रहे हो, हमें ऐसा लगता है कहीं से भी मिली भगत करके नंबर दो में करो, लेकिन बेचर भाई ने कहा कि नहीं, मैं भी सत्याग्रही हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं किसी भी गलत काम को नहीं करूंगा, गांधीवादी विचारधारा के। तो उन्होंने बिल्कुल कानून की आज्ञा लेकर एक एक काम किया, और इस तरह से सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं करके एक जोरदार उत्सव किया। बताते तो हैं उस समय चावल बनाने के स्थान पर सोनगढ़ में भी और उधर भी, वो क्या आती थी, वो क्या कोदों क्या कहलाती, हाँ ऐसे कोई कोथरी, हाँ वो कोथरी बनाई जाती थी, चौखा नहीं बनाए, कोथरी बनाई जाती थी इस तरह से, है ना। इस तरह से सोनगढ़ में गुरुदेव की 61वीं जन्म जयंती मनी, और इस समय बिजली आई पहली बार, इस समय बिजली आ गई। भादो सुदी पंचम एक बहुत सुंदर काम हुआ, यह भी आपको देखने और दिखाने जैसा। कितना उत्साह रहता होगा श्रोताओं को, खेमचंद जी भाई को कितना उत्साह रहता होगा कि स्वयं ग्रस्त, स्वयं का व्यापार चलाना है, बच्चे पल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगता था कि ये प्रवचन प्रतिदिन घर घर पहुंचे, क्या क्या प्रतिदिन, महीने का नहीं प्रतिदिन। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन नोट करके हाथ से और वो साइक्लो स्टाइल मशीन आती थी घुमाने वाली, तो एक कागज आता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्टेंसिल, उस स्टेंसिल पे हाथ से लिखें पूरा प्रवचन हाथ से, और फिर वो स्टेंसिल मशीन पे घुमावे, और वो भी दो कलर में, उसमें भी चित्र, उसमें कभी मान स्तंभ का चित्र, कभी जन्म जयंती का चित्र, कभी पंचकल्याण के चित्र, जन्म जयंती आई तो जन्म जयंती के महावीर भगवान के चित्र, हाथ से बनाना, पहले स्टेंसिल पर पूरा हाथ से मॉडल करना, और फिर मशीन पे चढ़ा के उसे घुमाना, और फिर पर डे प्रतिदिन उसके ऊपर टिकट लगा करके घर घर भेजना। कितने पैसे में मालूम, 6 रुपए में साल भर, 6 रुपए में साल भर है, एक महीना 6 रुपए में, मैंने रोज आना, मेरी बस अपन तो नहीं कर पाएंगे ना क्या ये रोज करें, रोज घुमावे, रोज क्यों, समय छापे की इतनी वो सुविधा नहीं, और रोज के रोज करना, प्रूफ रीडिंग करो, ये करो, तो बहुत लंबा टाइम, तो हाथ से करते थे। इस तरह ये 6 साल तक, जब तक अमृतलाल भाई जीवित रहे तब तक 6 बरस तक ये पत्रिका रोज छपती थी और रोज जाती थी। अभी एक भाई ने मेरे को जिल्द ला के दी है, कल वो मैं दिखाऊंगा आपको, कल आप देखना, और मेरे को भी बहुत सारी प्रतियां मिली अलग अलग, वो भी आप देखना, हस्तलिखित, हाँ सदगुरु प्रवचन प्रसाद, उसका नाम था सदगुरु प्रवचन प्रसाद, उसका नाम था उस पत्रिका का। इस तरह से ये सारे कार्यक्रम बढ़ते बढ़ते राजकोट में जो पंचकल्याणक हुआ उसमें मुन्ना लाल जी प्रतिष्ठाचार्य आए। मुन्ना लाल जी प्रतिष्ठाचार्य ने ऐसी प्रतिष्ठा ही नहीं देखी इससे पहले, ध्यान से सुनना। तो उन्होंने प्रसन्न होकर नाना लाल भाई से एक बात कही, सुनना जरा, कौन कौन ने कहा, प्रतिष्ठाचार्य ने, एरे गेरे ने नहीं, श्रोताओं ने नहीं, मुन्ना लाल जी प्रतिष्ठाचार्य बोले, नाना लाल भाई आपने इतनी बड़ी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की है जोरदार राजकोट में, आप निश्चित समझो कि 7-8 भाव में तुम्हारा मोक्ष होने वाला है इतने प्रभावित हुए उस पंचकल्याण से कि तुम 7-8 भाव में मोक्ष जाने वाले हो। तो नाना लाल भाई खुश हो गए होंगे, क्यों खुश नहीं हुए, वे बोले, पंडित जी
हमारे गुरुदेव एम नथी मानतो, हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं मानते हैं कि पंच कल्याण कराने से मोक्ष हो जाता है, कि शुभ भाव करो तो मोक्ष हो जाता है, इसे हम नहीं मानते। माने इतनी सी प्रसन्नता नहीं। और यही बात यदि हमारे बुंदेलखंड में कह देते ना तो ना छोड़ता गया, अरे मेरा तो मोक्ष नक्की थी गयो। नहीं ना बोले नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, हमारे गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं है, कितना ही लाखों करोड़ों दान दो लेकिन दान देने से को मोक्ष कभी होता ही नहीं। शुभ भाव हे है, क्या कहा पुण्य हे है। एक गुरुदेव श्री का प्रताप, ये तत्व ज्ञान का प्रताप कि कोई जीव बहकाने से बहकते नहीं हो कि हां मेरा तो मोक्ष है ना। इस तरह से अजमेर की भजन मंडली आई थी इस समय राजकोट में, पहली बार गुरुदेव श्री को इनका परिचय हुआ। इसमें एक शांतिलाल भाई थे। अब देखो ऐसा लगता है ना खूब डिटेल बताएं, लेकिन बताएं भी कहां तक। तो गुरुदेव श्री को जब ये नाटक खेले अकलंग निकलंग और राजोलो पिता का संवाद, तो गुरुदेव श्री को तो बेराग से आंखों में आंसू आंसू भरावे, जो निकलंग का वो गर्दन कटना दिखावे और अकलंग का रुदन दिखावे, अरे रे जैन शासन माटे केवो उत्सर्ग, अरे रे। तो गुरुदेव को तो आंखों में आंसू की धार, राजुल का ऐसे सुने तो एकदम आंखों में आंसू। गुरुदेव श्री को इतना अच्छा लगा इनका शांति भाई थे जो, इनमें एक भाई थे मूलचंद भाई, वे नृत्यकार थे मूलचंद जी भाई, स्त्री का बेस बना के ऐसे नाचे धमाधम। तो रामजी भाई ने अकेले में बुलाया कि देखो भाई नाचोगे मत नाचो ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन स्त्री का बेस बनाकर नाचोगे तो आपको स्त्री लिंग का बंध हो सकता है, क्योंकि वैसी हाव भाव वैसी रंग ढंग वैसी सारे सारे मटकना, ये स्त्रियोचित नृत्य करना अपने को शोभा की चीज नहीं है। तो उन्होंने छोड़ दिया, बराबर बात है, छोड़ दिया। गुरुदेव श्री उस समय पैदल विहार करते थे, तो राजकोट से विहार करें तो ये अजमेर वाली मंडली भी संग संग चले। गुरुदेव को बड़ा प्रमोद, कहीं से भी विहार करें सबसे पहले मंदिर में जावे, क्योंकि ठंडे ठंडे में चलते थे ना गुरुदेव। तो जैसे आज रात को रुक गए, अब कल सुबह विहार करना है 6-7 बजे, तो गुरुदेव श्री कभी भी ऐसा नहीं कि जल्दी से 5:30-6 बजे विहार कर दें, ऐसा नहीं, भले ही धूप पड़े हो चाहे कुछ हो, सबसे पहले सुबह उठें, जिन मंदिर में जावें बढ़िया एक दो भक्ति करवावें, खुद भक्ति करावें गुरुदेव, और वे संग में रहते थे वो अजमेर वाले वो मंडली पूरी वो भक्ति करावे, भक्ति करावे पीछे फिर विहार करें। अपन क्या करेंगे क्या? क्या मतलब 5:30-6 बजे ठंडे में निकल चलो जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं करते गुरुदेव। दिन निकल आवे सबसे पहले मंदिर जावे, मंदिर में भक्ति करें, एक कहीं भी जाए बिहार में, देर हो जाए तो हो जाए लेकिन भक्ति पहला नंबर। देखो मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है गुरुदेव पुण्य को हे कहते हैं, अरे गुरुदेव की रग रग में जैन शासन की भक्ति थी, देव सास गुरु के प्रति इतनी भक्ति इतनी अर्पणता रग रग में थी। बोलो गुरुदेव श्री कोई नाटक होवे आएगी सब चर्चा तो धीरे धीरे आएगी। एक कोई श्वेतांबर थे, नाम इसमें लिखा है श्वेतांबर, तो कापड़िया थे कोई क्या थे, तो कोई राजोलोर का नाटक खेला उन्होंने, तो श्वेतांबर अनुसार खेला उन्होंने श्वेतांबर के अनुसार, तो अभी गुरुदेव बैठे रहे सुनते रहे, क्योंकि गुरुदेव को मालूम था कि मैं उठ के चला जाऊंगा तो सारी पब्लिक चली जाएगी। तो गुरुदेव श्री को इस बात की चिंता थी, ये थानक से आए ये श्वेतांबर से आए हैं, ये एक कार्यक्रम करेंगे सांस्कृतिक और पब्लिक चली जाएगी तो इसका मनोबल टूट जाएगा, इसको जैन धर्म अच्छा नहीं लगेगा, इसको ये लगेगा कि कैसे जैनी है। तो गुरुदेव श्री को इतनी दूरदृष्टि, भले ही वो प्रोग्राम कैसे ही करे तो गुरुदेव पूरा टाइम बैठते, और गुरुदेव बैठे तो कौन उठे कौन उठे, गुरुदेव बैठ। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात, नहीं समझ में आई? आज हमें क्या हो जाता है, बच्चे छोटे छोटे कार्यक्रम करें चलो 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 भागो भागो, ये ऐसा नहीं। गुरुदेव श्री को ऐसा रहे इन बच्चों का उत्साह नहीं टूटना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं आज ये छोटा सा बोल बोल रहे हैं, कल ये भगवान बनेंगे, कल यही मुनि बनेंगे, कल यही समर्पित होंगे, और अपन इनका मनोबल नहीं करें तो क्या हो, बोलो। तो गुरुदेव श्री को इतना आगे पीछे का विचार रहता था। चलो ऐसे प्रसंग तो बहुत हैं। अभी क्या हुआ, इसी बरस 1950 में युगल किशोर जी युगल बाबूजी पहली बार सोनगढ़ पधारे, और सोनगढ़ पधारे इनके ज्ञानचंद जी थे, ज्ञानचंद जी,
उनके साथ यहां पर पधारे। तो बस सुनते से ही अब उनकी अनुभव तो बहुत जोरदार है। मुझे बोले, मुझे सुनते ही यह लगा कि अरे रे, यदि जीवन अर्पण कर देने लायक है तो यही है कोई महापुरुष जो इस पृथ्वी मंडल पर इस समय है और कहीं नहीं है, और अपना जीवन उन्होंने उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और इतना अब क्या कहें, गुरुदेव को सुनने के बाद जब लौटे कोटा, तो रास्ते में कोई से चर्चा वार्ता नहीं, ऊपर बैठ गए बर्थ पे और वहां पर स्वाध्याय। और स्वाध्याय करते करते इतनी भक्ति उमड़ी देवसास गुरु की कि वहीं पर उन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा लिखना शुरू की। और ये सोनगढ़ का प्रताप कहो, गुरुदेव श्री का प्रताप कहो, कि वह पूजा कम से कम जैन जगत की एकमात्र ऐसी पूजा है जो सर्वमान्य है। एकमात्र ऐसा कोई मंदिर, ऐसी कोई पुस्तक नहीं होगी जिसमें ये पूजा नहीं हो। और गजब बात तो यह है कि अभी अभी इस पूजा का कुछ मुनिराज विरोध भी करने लगे हैं, लेकिन गजब बात यह है कि जब उनका आहार दान संपन्न होता है तो जिनके बीच में विरोध किया था कि यह पूजा गलत है, वे ही आहार दान देने के बाद कहते हैं, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक नग्न। माने जो अभी प्रवचन में विरोध सुन के आए थे, वे ही आहार देकर यही गीत गाते हैं। बोला, मेरा कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव श्री का प्रताप, ये तत्व का प्रताप, कि पहली बार क्रांति हुई युगल जी को और रेलगाड़ी में बैठ करके सबसे पहली ये पूजा आई, और इतनी इतनी बढ़िया आई कि अभी तक उसकी कोई मिसाल दूसरी नहीं है। क्या कहें। इस तरह से आगे क्या हुआ, संवत 2007 1951 में इस समय 10 बरस पूरे हो गए काय के लिए, मंदिर के लिए, सीमंदर मंदिर बनाए हुए 10 बरस। तो जोरदार उत्सव हुआ। अब वो सब क्या कहे, वो तो दिखाएं तो टाइम लगे, पर ये समझ लो कि जैसे अभी तक के जोरदार उत्सव हुए थे वैसा ही जोरदार उत्सव। अब असल में क्या बताऊं, वो इच्छा तो ऐसी होती कैसे दिखावे वो चीज। क्यों, दिवाली के दिन कैसा लगता है तुमको, सुबह सुबह कैसा लगता है, कभी कोई अच्छा उत्सव हो, घर में शादी हो तो कैसा लगता है, नगर की गलियां कैसी लगती हैं आपको, कैसा लगता है। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट में तुमने 99% मार्क्स लिए, कैसा लगता है आज की गलियां, कैसी लगती गलियां, सड़क, घर, मंदिर, कैसा लगता है आज। जितना ब्लड प्रेशर रहता ना आपको, ऐसा सोनगढ़ में गली गली, सुबह उठो जल्दी नहाओ जल्दी चलो जल्दी मंदिर, और इतना जोरदार उत्सव, सारे लोगों का इकट्ठा होना, भगवान का अभिषेक, पूजा, भक्ति, नए नए रंग, इस तरह से जोरदार तरीके से अष्टांका में जोरदार 10 वर्ष पूरे होने पर भक्ति की गई। और गुरुदेव श्री ने भी क्या बोला प्रवचन करते समय, कुंद कुंद आचार्य देव ने जो प्रसादी सीमंदर भगवान से प्राप्त की थी उसमें से कुछ प्रसादी मैं तुम्हें देता हूं। जो कुछ प्रसादी, कुंदाचार्य ने विदेश क्षेत्र में जो प्रसाद पाया था दिव्य ध्वनि का, उसकी कुछ प्रसादी समय सारजी में आई और उसमें से मैं तुम्हें देता हूं, सब सुनो और संतुष्ट हो। गुरुदेव को तो इतनी गदगद भक्ति, अरे अरे रे, कुंदाचार्य देव की क्या बात करें, ऐसे खूब दिगंबर मुनियोनी बाणी आ सामे आखा जगत भरे पानी, खूब स्तुति भक्ति करके, सीधे सीधे नहीं हो, खूब इस तरह। 62वीं जन्मजयंती सोनगढ़ में मनाई गई, डेट्स वगैरह मैं बताने में अब टाइम नहीं लगा रहा हूं ना। इसके बाद श्राविका शाला का उद्घाटन हुआ, जो समिति है समिति के बाजू में श्राविका शाला, उसका उद्घाटन किया गया सोमवार 5 मार्च 1951 के दिन। माघवदी छठ 27 फरवरी 1951 मंगलवार, ये बहुत बढ़िया दिन है, यादगार दिन, क्योंकि गुरुदेव श्री की सबसे पहली रिकॉर्डिंग आज प्रारंभ हुई आज के दिन, और गाथा थी 172 प्रवचन सारजी अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण, अब तो जो पुराने मोक्ष में उन्हें मालूम है अलिंग ग्रहण माने क्या।
नए लोगों को तो अलिंग्रहण क्या होता है, अलिंग्रहण क्या होता है अभी नए लोगों को नहीं मालूम, पुराने लोगों को मालूम अलिंग्रहण। जैसे जैसे क्या बतावे बताओ, कैसे बताएं बताओ, अलिंग्रहण का कैसे महत्व बतावे आपको, आप सोचने दो मैं बाद में बताऊंगा। मैंने उस अलिंग्रहण का प्रवचन सबसे पहली बार 1951 में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इसके बाद और रिकॉर्डिंग नहीं हुई, केवल एक रिकॉर्डिंग 1972 में एक 51 में हुई। इसी समय 85 काय का अनुवाद गुजराती में पूरा हो गया। इसका मतलब कंटिन्यू हिम्मत भाई लगे हुए थे शास्त्रों की सेवा करने के लिए। इनमें जो हरि गीत पाए जाते हैं, हरि गीत ये हिम्मत भाई जी के लिखे हुए हैं, और कितने बढ़िया हैं वो तो अब आप समझ ही सकते हो, कितने मधुर हैं कि हम सीधे सीधे उन्हें उनका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। और बाद में नेमीचंद जी पाटनी जी इनका हिंदी में किया, इनका ट्रांसलेशन, वो भी बहुत मधुर, आज पढ़ो तो एकदम आनंद आता है सीधे सीधे, है ना। इस तरह से इसी बरस गुरुदेव श्री, अभी मालूम नहीं था गुरुदेव को, दिशा में दिशा के लिए जाते थे, लेटरिंग करने के लिए जंगल जाते थे। जंगल जाते समय रास्ते में 3 केरियां पड़ी मिली, 3 केरी। पंडित जी ये भी कोई बात है, 3 केरी इसमें क्या है कि तुम नहीं समझोगे, 3 केरी मिलना गुजरात में सगुन है। तो 3 केरियां एक साथ पड़ी दिखाई दी तो गुरुदेव श्री देखते ही समझ गए आज कोई अद्भुत काम होने वाला है। अभी गुरुदेव को कुछ मालूम कुछ नहीं हो, आज कुछ होने, अब सगुन है तो कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे ही लौट कर आए तो बसराज जी गंगवाल लाडनू सोनगढ़ पधारे पहली बार, और यहां की भक्ति, स्वाध्याय, गुरुदेव का जीवन और बैन श्री का जीवन देख करके इतने प्रफुल्लित हुए, इतने प्रफुल्लित हुए कि उन्हें यह भावना आई कि मुझे यहां पर इन ब्रह्मचारिणी बहनों के लिए, जो 8 बहनें थीं, इन बहनों के लिए, ये चाली में रहती हैं छोटी सी, छोटे छोटे कमरे, अरे इनके लिए एक शानदार ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए। समझ आया, उसी दिन। और आखिरकार बहनों का जीवन देखा और मंदिर के पास जगह खरीद करके 225,000 रुपए की लागत से 1951 में 225,000 रुपए की लागत से ब्रह्मचर्य आश्रम, गोगा देवी आश्रम, उसका शिलान्यास किया, खाद मुहूर्त किया। और बाद में अभी और काम होगा उसकी चर्चा अपन करेंगे। इसी समय सोनगढ़ में मान स्तंभ बनाने की तैयारियां हुई, अब इसके वर्णन तो बहुत सुंदर हैं। मान स्तंभ की तैयारियां हुई, है ना, हुआ क्या, अभी अगले संबत में 1952, इस समय स्वर्गीय सेठ तोलाराम जी गजराज जी ट्रेन से आए, रेल से, ये भी स्पेशल रेल से आए, 2-3 दिन रुके यहां पर। मासुदी पंचमी गुरुवार 31 जनवरी 1952 गोगा देवी ब्रह्मचारी आश्रम कंप्लीट हो गया, फटाफट काम हुआ जल्दी, और बसराज जी गंगवाल के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। उस दिन जब उद्घाटन हुआ तो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा पधारी वहां पर, कहां पर, ब्रह्मचर्य आश्रम में, ताकि ब्रह्मचर्य आश्रम में पहले नंबर पग पड़े, चरण पड़े तो भगवान के, तो पहले कोई ने प्रवेश नहीं किया, पहले भगवान की प्रतिमा। और पूरी रात गुरुदेव श्री के प्रवचन भाई, दिन में भक्ति भाई, और रात भर बहनों ने भगवान की भक्ति की, रात्रि जागरण किया। सोचते जाना जरा संग अपन क्या करेंगे, क्या अब दिन भर भक्ति, दिन भर रात भर भक्ति, दिन भर प्रवचन, ऐसा नहीं, बहनों को ऐसा लगे कि अरे रे अब तो हमारा आराधना केंद्र खुल गया है, हमें सुरक्षा गृह मिल गया है, अब तो हम यहां पर रहकर अपना आराधना करेंगे, ऐसी अत्यंत भक्ति से नींद ही नहीं आवे, क्या कह रहे हैं, जाओ सो जाओ, ऐसे कैसे सो जाओ, हमारे घर में भगवान, हम कैसे चले जाए, कोई बहन नहीं, सब और गांव के लोग इकट्ठे, रात भर भक्ति। देखो भक्ति को हे करने वालों के चित्त की भक्ति है, ये आपको बहुत दाखला दे रहे हैं, समझ लो, लोग आपसे कहेंगे अरे साहब आप पुण्य को हे कहते हो,
साहब इतना सुनकर बोलो कि पुण्य को हे माने क्या। और आज हम पुण्य को हे कह करके, भक्ति तो विकल्प छे, पूजा तो विकल्प छे। सुनो प्रभु, तुम साध्वी गुणस्थान में जा रहे हो तब कहना ये बात। क्या कह रही? साध्वी गुणस्थान में जाओ तो कहना कि पूजा विकल्प है, भक्ति विकल्प है, नहीं तो गुरुदेव श्री और बहन श्री का जीवन आदर्श बनाओ। ख्याल में आ रहा कुछ? ये तो बहुत फास्ट चल रही पिक्चर है। यदि वो आपको वो असली दृश्य देखने को मिलते ना सोनगढ़ के, तो आप कहते कि अरे रे क्या जीवन रहा होगा। तब तो कह रहे थे चौथा आरा चल रहा था, चौथा आरा, पंचम काल लगता ही नहीं था। रोज जहां कभी किसी को खबर ही नहीं, टॉकीज किसका नाम, थिएटर किसका नाम, गाने किसका नाम। अभी अभी रुक जाओ, अभी आने दो, मैं अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाऊंगा बाद में, अभी तो आगे चलते है ना। 16 बहनें थी इस समय, 16 बहनों से प्रारंभ हुआ यहां पर, और फिर बाद में तो कुल मिलाकर 65 बहनें तक रही, 65 इस आश्रम में। सब अपना अपना भोजन बनाते थे। बसराज जी ने तो बहुत कहा कि हम सबके लिए ऐसा ऐसा कर दें, समूह भोजन की व्यवस्था कर दे। तो बहनश्री बोले नहीं, सबकी स्वतंत्रता रहने दो, सबको अपना अपना भोजन बना दें। क्यों? कभी किसी के माता पिता आ जाते हैं, कभी कोई का भाई आते हैं, तो कहां जाबे। तो समूह भोजन बने तो शोभा की बात नहीं, सबको अपना अपना करने दो। तो सबको अपना अपनी सुविधा अपना अपना बनाते करते थे। ऐसे गजराज जी के आने के पूर्व है ना, ये हो गया पूरा। अभी इसी बरस एक और घटना बहुत सुंदर हुई। 1952 शुक्रवार के दिन संबत 2008, ध्यान से सुनना, एक बहुत बड़ा संघर्ष इस समय चल रहा था। स्थानक वासियों को एक बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। जिन जिन गांवों में स्थानक वासी गुरुदेव को मानने लगे, समर्पित हो गए, दिगंबर हो गए, मंदिर बनाने लगे, तो उनके बच्चों को स्थानक वासी बोर्डिंग में से निकाल दिया गया। रोटी बेटी की झगड़े होने लगे, रोटी बेटी नहीं देंगे, समाज में नहीं बुलाएंगे, विरोध करेंगे। कोई के यहां कोई गुजर जावे, मर जावे, तो कोई आवे ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या आएगी थी, बच्चों को पढ़ाने कहां भेजें, अब बच्चों को पढ़ाई कराने कहां भेजें, तो स्थानकवासी बोर्डिंग में तो रखे नहीं उनको। तो ये बात रामजी भाई, खेमजी भाई वगैरह सोनगढ़ में ये बात पहली बार उठी 1952 में कि साहेब आपका अनुकरण करने के बाद स्थानकवासी समाज में बड़ी तकलीफ है, बच्चे पढ़ने कहां जाएं, सब उनको बोर्डिंग में पढ़ाते ही नहीं है, रखते ही नहीं है, करें क्या। तो गुरुदेव श्री बोले अपने ही बोर्डिंग खोल लो ना, दूसरों के आगे बार बार जाते ही क्यों हो। तो खेमजी भाई और रामजी भाई वगैरह ने मिलकर के यहां पर बोर्डिंग का शिलान्यास किया, बोर्डिंग की शुरुआत की। और सबसे पहले बोर्डिंग कितने बच्चे पढ़े मालूम है? 3 बच्चों से शुरुआत हुई, 3 बच्चों से। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 3 बच्चों से बोर्डिंग शुरू करने में अपन तो ये समझे अरे अब 3 बच्चों के पीछे 2 कमरे लो, भोजनशाला लो, ये करो वो करो, फिर किराया दो, और फिर उनका देख रेख कौन करे, टीचर रखो, फला करो, अपन तो करे ही नहीं। गुरुदेव बोले काई बात नहीं, 3 हो चाहे कितना ही हो, बाद में तो फिर बहुत बच्चे, मेरे ख्याल से तो बहुत 75 बच्चे तक पढ़े बाद में तो। लेकिन 3 बच्चों से शुरुआत हुई और इस तरह से बोर्डिंग खुला। 8 अप्रैल 1952 के दिन गुरुदेव श्री का परिवर्तन दिवस हुआ, परिवर्तन दिवस चैसुदी तेरस, याद होगा तो चैसुदी तेरस गुरुदेव श्री का परिवर्तन दिवस। इसी दिन मान स्तंभ की का शिलान्यास हुआ, बहन श्री बहन चंपा बहन श्री के हाथों से इसका शिलान्यास हुआ है ना। और इसकी लागत भी थी 1.25 लाख रुपए मान स्तंभ। और गुरुदेव श्री की उम्र कितनी थी वो प्रतिष्ठा के समय देखना, 63 बरस की उम्र गुरुदेव की, और 63 फुट ऊंचा ही मान स्तंभ बनाया। एक अंदर से उत्साह आता था ना कि साहब गुरुदेव की 63वीं जन्म जयंती है तो क्या करें। एक बात बहुत रही कि गुरुदेव श्री के प्रति जनमानस में बड़ा उत्साह है कि 63वीं जन्म जयंती तो ठीक है, 63 फुट का मान स्तंभ। गुरुदेव की 80वीं जन्म जयंती तो ठीक है, 80 फुट ऊंचा परमागम मंदिर है ना।
ऐसे गुरुदेव का 74वां जन्म जयंती लाठी में, तो 74 बैलगाड़ियों का जुलूस 74 हाँ 74 बैलगाड़ियों का जुलूस। अब उस जमाने में बैलगाड़ी का जुलूस भी गांव गांव वाले 25 गांव के लोग देखने आए, बैलगाड़ी का जुलूस ऐसा बहुत हुआ। ऐसे यहीं पर कितने 87वीं जन्म जयंती, कौन सी 88वीं, तो गुरुदेव श्री को कमल की रचना की, मेन गेट से लेकर पांडाल के मंच तक प्रवचन के पाठ तक आने के लिए कमल की रचना, और कमल के ऊपर संख्या लिख दी 1 2 3 4। गुरुदेव ने 87 कमल पार करके प्रवचन करने बैठे। माने ऐसा मोक्षियों को बड़ा उत्साह रहता था, है ना क्या कह रहे हैं? देखो लोगों को तो ऐसा लगा जैसे अतिरेक कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। वास्तव में नवयुवकों को यदि ये उत्साह के काम नहीं मिले हैं तो उन्हें आवे कैसे? और इस उत्साह के समर्पण में गुरुदेव से जो तत्व मिला उसकी तो कोई कीमत की नहीं जा सकती है। इस तरह से ये जो मानस्तंभ आया, मानस्तंभ की हुआ, इसमें गुरुदेव रोज महिमा करें मानस्तंभ की, समव शरण के बाहर मानस्तंभ, मानस्तंभ देखते से ही मान गल जाए, गौतम स्वामी का मान गल गया, दीक्षा ले ली, अंदर गए सो गणधर बने। अरे गुरुदेव इतनी महिमा करें रोज रोज रोज। उस समय तीन पीठिका बनी ना, जो नीचे नीचे की तीन पीठिका, ओ बहनों ने कार सेवा करके बनाई, समझ में आ रहा कुछ? नीचे की तीन पीठिका बहनों ने मिल करके, श्रावकों ने मिल मिल करके कार सेवा करके तीन पीठिकाएं रखी, 6 बैगन पत्थर भर के आए जयपुर से, 6 बैगन। और इस तरह से नाना लाल दोनों बैंसरी और नाना लाल झबेरी, इन्होंने इसका शिलान्यास किया, और 63वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनाई गई। संबत 2009-1953 गुरुदेव श्री की 64वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनी है। और अभी देखो सीमंदर भगवान की पीठिका बननी थी मान स्तंभ में, ध्यान से सुनना, और गुरुदेव श्री को सुबह सुबह सपना आया। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम्हारा रिजल्ट आना हो तो रात को सपने में रिजल्ट आए कि नहीं आए? क्यों ए सगाई हो गई हो और शादी की बारात जानी हो तो सपने में बारात जाती कि नहीं जाती? जाती कि नहीं बोलो? क्यों तुम्हें पहली बार अमेरिका जाना हो, अमेरिका टिकट आ गई है, कल सुबह की फ्लाइट, आज रात को क्या होगा? समझ गए? ऐसे ही गुरुदेव श्री को तो उनके जीवन का सर्वस्व देव सास गुरु, मालूम है कि कल भगवान की सीमंदर भगवान विराजेंगे ऐसी ऊपर की, वो बेदी बनने वाली है, विराजमान होने वाले हैं, तो गुरुदेव को कितनी भक्ति चढ़ती होगी, कितना उत्साह चढ़ता होगा कि रात को सोते समय स्वप्न में सुबह सुबह सीमंदर भगवान का अद्भुत अद्भुत देदीप्यमान समोह शरण में स्वरूप देखा सीमंदर भगवान का। और उसी दिन सीमंदर भगवान की पीठ का मान स्तंभ स्थापित हुई। ये तो अंदर से जिनको भक्ति उमड़ती होगी वे ही ऐसे सपने देख सकें, अपने को तो देख लेना भाई, मैं इसीलिए कंपेरेटिव स्टडी चल रही है अपनी, इससे मालूम पड़ता है पवित्र जीव का एक एक दिन कैसा रहा होगा, एक एक बरस। 64 बरस की उम्र में भी हो, अपन तो 64 बरस की उम्र में ठीक है है? नवयुवकों को खास कह रहे हैं, गुरुदेव श्री के जीवन से शिक्षा लेने जैसी है। हमारा तन मन धन हमारा जीवन देव सास गुरु के लिए अत्यंत भक्ति से समर्पित होने लायक है। टाइम तो हो गया आपका घड़ी में है ना? इसी समय सिद्ध चक्रमंडल विधान पहली बार किया गया। बैसाख सुदी पूनम 28 मई 1953 गुरुवार के दिन बैन श्री के हाथों के द्वारा ओमराला में मंदिर का शिलान्यास किया गया, जहां गुरुदेव का जन्मस्थल था वहां पर शिलान्यास किया गया। बसराज जी गंगवाल आए जी, घटना बहुत सुंदर है, छुट्टी कर रहे हो चिंता नहीं करना बसराज जी गंगवाल आए, हालांकि घटना तो हम शॉर्ट में सुना रहे हैं, घटना वैसे बड़ी है। अभी नेमीचंद जी आवे तो, दिगंबर पंडित आवे तो, फूलचंद जी आए तो, जगन मोहन लाल जी आए तो, बसराज जी आवे तो, सबको गुरुदेव के पात्रा खटक रहे थे। अभी तक
अभी तक गुरुदेव का पात्रा चल रहा, पात्रा समझते हो, भोजन लेने के लिए जाते थे 6-7 डब्बे लकड़ी के, और भोजन लेकर आना और अकेले में करना, वो पात्रा सिस्टम अभी तक चल रहा था। और सभी लोग बाहर अकेले में, नेमीचंद जी हो तो कोई भी हो, साहेब अब तो आप दिगंबर हो गए हो, अभी पात्रा छोड़ दो। लेकिन पता नहीं क्यों वो छूट ही नहीं पा रहे थे, चाहे थे समझ लो, वो आदत पड़ चुकी थी उनको, ये लगता था संकोच संकोच कि घर में कैसे जाऊं, बहनों सामने भोजन कैसे करूं, बहनों सामने भोजन कैसे करूं, ओ संकोच इतना, सबके सामने भोजन कैसे करें, अकेले में तो जैसे चाहे खा लो, सबके वो संकोच की वजह से छूट नहीं रहा था। लेकिन इस बार बछरा जी गंगवाल आए और साथ में स्टील के डब्बे लाए कि गुरुदेव श्री एकदम नहीं छोड़ पाएंगे, सो उन्होंने वो लकड़ी के पात्रा ले लिए और वो स्टील के पात्रा दिए कि साहेब अब आप इनमें लेना। इस तरह परिवर्तन के 16 बरस बाद तक अब ये बात ऐसी चलती रही, और बाद में स्टील के भी छूटेंगे, चिंता नहीं करना है ना, बताऊंगा बाद में। और इसी बरस गुरुदेव श्री की 2 जन्म जयंती मनाई गई, 2। अब 2 कैसे मनाई गई, क्योंकि 2 बैसाख थे, एक बैसाख में सोनगढ़ में और एक बैसाख में पालेज में, पालेज में जहां उनका कुटुंब रहता था, व्यापार किया था वहां पर, ये 2 जन्म जयंती गुरुदेव श्री की। इस तरह कुल मिलाकर के 96 जन्म जयंती मनाई गई। सर 96 कैसे हो गई, 91 मनी ये तो ठीक है, लेकिन करें क्या, गुरुदेव श्री के जीवन में 5 बैसाख 2 बार आए समझ आए ना, इसलिए हम यदि कुल टोटल काउंटिंग करें तो बैसाख सुधी 95-96 बार आई, 96 बार, ठीक है। और मान स्तंभ प्रतिष्ठा के समय भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह पधारे, उनका जीवन बड़ा प्रमाणिक, बहुत अच्छा, बहुत आदर्श, अच्छा जीवन। भारत के एक कृष्ण कुमार सिंह जी ऐसे राजा थे जिन्होंने रजवाड़ाओं का विलय हुआ ना, विलय समझते हो, स्टेट बनानी थी स्टेट, और प्रजातंत्र लागू करना था, तो सब रजवाड़ाओं को भंग कर दिया, राजाओं का राज भंग कर दिया। तो एक कृष्ण कुमार सिंह जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी स्टेट साइन करके कह दिया कि इसे आप ले लो, सबसे पहले। और इनको इसी उपलक्ष्य में मद्रास का गवर्नर राज्यपाल बनाया गया था। ऐसा ना, इतना वर्णन क्यों किया मैंने कि ऐसा व्यक्ति थे जब सोनगढ़ पधारा, जिसको मद्रास का गवर्नर बनाया गया, जिसने सबसे पहले साइन करके अपनी पूरी प्रॉपर्टी रजवाड़ा में दे दी, और जब गुरुदेव श्री का शिलान्यास वो प्रोग्राम हुआ मान प्रतिष्ठा स्तंभ मान स्तंभ का, तो वे आए तो गुरुदेव बोले कि जिसे थोड़ा चाहिए वो छोटा भिखारी है, जिसे ज्यादा चाहिए वो मोटा भिखारी है। गुरुदेव श्री इतने सरल, माने इतने सरल, गुरुदेव श्री को ये नहीं लगता कि ये तो भैया राजा है, भावनगर का राजा, भावनगर का, और ये तो भैया मद्रास के गवर्नर, कि भाई गवर्नर भी छोटा है, भगवान बहुत बड़ा है, भगवान में अनंत गुण अनंत शक्ति बसती है, इसकी महिमा अद्भुत है, अपार है, इसको जानो, इसमें क्या रखा है। ऐसे मतलब कुल मिलाकर गुरुदेव श्री निष्प्रही व्यक्तित्व, निश्चल व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व, और बच्चों जैसा जो आया सहजता से कह दिया। टाइम तो 1.25 घंटा ले लिया आपका लेकिन अब लेना भी करें क्या, वो देखो भाई थोड़ी ताकत तो आपको लग रही होगी मैं जानता हूं, लेकिन गुरुदेव श्री का जीवन इतना सरस है, उतने सरस हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये समझ लो आप। लेकिन 1-2 दिन की तकलीफ और भी हो आपको तो भी सुनना इसे, कभी आपको मालूम पड़ेगा एक एक दिन गुरुदेव का कैसा रहा होगा, कितना उत्साह और कितना समर्पण। अभी इसकी चर्चा थोड़ी और है और चलेगी, और बाद में हम बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आखिरी में सुनाएंगे, अभी एनुअल वार्षिक विवरण निकल जाए तब सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक न हो।
सदा देत हूँ।